जख्मों के फूल दर्द के मोती सजा के हम बा जख्मों के फूल दर्द के मोती सजा के हम लाए हैं इस हुजूर में सब कुछ उठा के हम वाह लाए हैं इस हुजूर में सब कुछ उठा के हम वाह और चार मिसरे देखे के अजब इंसान की है जात ये क्या क्या बना बैठे वाह अजब इंसान की है जात ये क्या क्या बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे कमाल है अजब इंसान की है जात ये क्या क्या बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे परिंदों ने नहीं पूछा ये किसका धर्म स्थल है परिंदों ने नहीं पूछा ये किसका धर्म स्थल है कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे वह फिर से उस्ताद नजरअंदाज कर गए उस्ताद कभी मंदिर पे जा उस्ताद नजरअंदाज कर गया उस्ताद फिर से अजब इंसान की है जात ये क्या क्या बना बैठे कभी मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे और परिंदों ने नहीं पूछा ये किसका धर्म स्थल है कहीं मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे वाह और चार मिसरे और देखें ये जो माहौल चल रहा है कुछ लोगों ने हमारे मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश की है जी उनके लिए मैं चार मिसरे जी 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 उस्ताद मुलाहजा करें आप लोग जनाब वासिफ बनारसी सितमगारों की जब से हम निगहबानी में रहते हैं सितमगारों के जब से हम निगहबानी में रहते हैं हमें चुप देख कर वो खुद परेशानी में रहते हैं सितमगारों के जब से हम निगहबानी में रहते हैं हमें चुप देख कर वो खुद परेशानी में रहते हैं और मगर मछू निगल जाऊंगा मुझसे बैर मत लेना मगर मछू निगल जाऊंगा मुझसे बैर मत लेना न भूलो मछलियों हम भी इसी पानी में रहते हैं शानदार पढ़ दिया शानदार शानदार उस्ताद शानदार न भूलो मछलियों हम भी इसी पानी में रहते हैं न भूलो मछलियों बड़े कार्यक्रम में बुला के जल्दी पढ़वाऊंगा ये बहुत अच्छा शेर हमारे उस्ताद बहुत बड़ा शेर पढ़ा न भूलो मछलियों हम भी इसी पानी कुछ इधर उधर के शेर भी हो जाए हम भी इसी एक ही तरह के नहीं कुछ इधर उधर के शेर भी सुन ले वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है तुमने रुखसार से जब जुल्फ हटाई होगी हाँ हुमा सुनो देखो तुम्हारे लिए तुमने रुखसार से जब जुल्फ हटाई होगी बिजलियां कितने दिलों पर भी गिराई होगी अरे बाप साहे साहब इस उम्र में कजब तुमने रुखसार से जब जुल्फ हटाई होगी बिजलियां कितने दिलों पर भी गिराई होगी हाँ ये शोक नजर बरके तबस्सुम ये अदा कितनी फुर्सत से तुझे रब ने बनाई होगी बहुत कितनी फुर्सत से तुझे रब ने बनाई होगी भाई इतनी फुर्सत से तुझे रब ने बनाई होगी और चार मिसरे और देखे कुछ मैं अब क्योंकि आखिरी शायर बचा हूँ और मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ इधर उधर का जमीन पे रह के जीना सीखो ना जाओ ऊंचाई में हिंदुस्तान के आखिरी जमीन पे रह के जीना सीखो ना जाओ ऊंचाई में खुदा बरकत अता करता है नेकी की कमाई में जमीन पे रह के जीना सीखो ना जाओ ऊंचाई में खुदा बरकत अता करता है नेकी की कमाई में हुई नफरत से क्या हासिल जरा ये सोच कर देखो हुई नफरत से क्या हासिल चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो पारसी हो कोई भी हो अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ देश के लिए हमारे मुल्क के लिए हुई नफरत से क्या हासिल जरा ये सोच कर देखो कई नस्लें हुई बर्बाद आपस की लड़ाई में बात कई नस्लें हुई अच्छा बर्बाद आपस की लड़ाई में जनाब वासिफ बनारसी माइक पर और चार मिसरे और देखे कि इस दौर का अजीब सा मंजर लगा मुझे इस दौर का अजीब सा मंजर लगा मुझे
राजा भाई आप भी थोड़ा तवज्जो दे तो, क्योंकि आप हमसे बुजुर्ग आदमी। देगा देगा, अगर दुआएं आपकी मिल जाएगी तो हम देगा। देखिए आप इस मुल्क के आखिरी शायर हैं, कौन तवज्जो नहीं देगा। इस दौर का अजीब सा मंजर लगा मुझे, हर आदमी के बोल में नस्तर लगा मुझे, और गुजरे हुए जमाने का देकर के हवाला, समझाया लाख आदमी पत्थर लगा मुझे, समझाया लाख आदमी पत्थर लगा मुझे। और कुछ आइए इसको मोहब्बत की बात कर ले कि दगा फरेब मक्कारी बहुत है। साहिल भाई ये आपके लिए, मैं दगा फरेब मक्कारी बहुत है, हसीनों में अदाकारी बहुत है। दगा फरेब मक्कारी बहुत है, हसीनों में अदाकारी बहुत है, जमाने की नजर मुझ पे टिकी है। शकील भाई देखे, जमाने की नजर मुझ पे टिकी है, तुझसे मिलने में दुश्वारी बहुत है, तुझसे मिलने में दुश्वारी बहुत है। और दोष मिश्रे इसमें और देख ले कि नशाखोरी रुकेगी कैसे वासिफ, नशाखोरी रुकेगी कैसे वासिफ, यहाँ ठेके जो सरकारी बहुत है, यहाँ ठेके जो सरकार का, यार क्या लिख रहे हैं भैया, यहाँ ठेके जो सरकारी बहुत है। और आपका लिखना बंद नहीं होगा, मैं आखिरी शेर साहिल ने पढ़ा था कि छोड़ दिया, साहिल ने पढ़ा था छोड़ दिया, शुरू में छोड़ दिया, छोड़ दिया, न जाने क्यों मुझे अपना बना के छोड़ दिया, न जाने क्यों मुझे अपना बना के छोड़ दिया, नजर से जामे मोहब्बत पिला के छोड़ दिया, नजर से जामे मोहब्बत पिला के छोड़ दिया, और कसूर मुझको बताया नहीं मेरा क्या है, कसूर मुझको बताया नहीं मेरा क्या है, लिबास हिज्र वो मुझको पहना के छोड़ दिया, लिबास हिज्र वो मुझको पहना के छोड़ दिया, और छुरी गले पे चलाकर वो मुस्कुरा के कहा। नाजा साहब देखे, छुरी गले पे चलाकर वो मुस्कुरा के कहा, तुझे जा मुर्गे बिस्मिल बना के छोड़ दिया, तुझे जा मुर्गे बिस्मिल बना के छोड़ दिया, तुझे जा मुर गए बिस्मिल बना के छोड़ दिया, और बहुत अच्छा शेर है, तुझे जा मुर गए बिस्मिल बना के छोड़ दिया। और देखे कुछ शेर उसके बाद, बहुत अच्छा शेर है, सुनाने भर की देर है, बहुत जल्दी सुनाएंगे, बस हम बस आखिरी शेर में तरन्नुम में सुना। अपने वासिफ भाई अपने जिंदगी का ये आखिरी शेर सुना दे, अपनी अपनी जिंदगी का आखिरी शेर। एक शेर बहुत हमारे जहन में बराबर जो है कौती रहती है, लेकिन ये देखिए कि एक लड़की उदास बैठी है, एक लड़की उदास बैठी, ये मेरा शेर नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा शेर है, लेकिन ये शेर मुझे बेहद पसंद है और कभी कभी निजामत भी बोलता हूँ, पूरा शेर पढ़ दे कि एक लड़की उदास बैठी है अपनी इज्जत लुटा के कोठी में, देखता हूँ ख्याल आता है कितनी ताकत है एक रोटी में, और शहर में आग लगी सबको नजर आते हैं, पेट की आग किसी को नजर नहीं आती, शहर में आग लगी सबको नजर आते हैं, पेट की आग किसी को नजर नहीं आती, शहर के आग से जलते हैं मकानात सभी, और पेट की आग से ईमान भी जल जाते हैं, पेट की आग से ईमान भी जल जाते हैं। मैं आखिरी शेर बस सुनाकर जो है अपना दर अपने दर पे चला जाऊंगा। नींदियाती नहीं आज कल रात भर, अरे वाह, नींद आती नहीं आज, नींदियाती नहीं आज कल रात भर, नींदियाती नहीं आज कल रात भर, नींद आती नहीं आज कल रात भर,
चैन मिलता नहीं एक पल रात भर, चैन मिलता नहीं एक पल रात भर। और शेर देखें, रास्त बिस्तर पे करवट बदलते रहे, रात बिस्तर पे करवट बदलते रहे, रात बिस्तर पे करवट बदलते रहे, मच्छरों ने सुनाई गजल रात भर, मच्छरों ने सुनाई गजल रात भर। साल का छठवां महीना है खुदा के नाम पर, साल का छठवां महीना है खुदा के नाम पर, भीख दे दो दारू पीना है खुदा के नाम पर। साल का छठवां महीना है खुदा के नाम पर, भीख दे दो दारू पीना है खुदा के नाम पर। मांगता हूँ कब से मुझको सेठ दे, कुछ देता नहीं, साला ये कितना कमीना है खुदा के नाम पर। अस्सलाम।